हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप सरकारी सेवक हैं और आप की जीवन संगनी यानी पत्नी भी शिक्षण पेशे या अन्य किसी पेशे में दोस्तों कार्यरत हैं और दोनों लोगों की जो ड्यूटी है वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में दोस्तों लग गई है, ऐसी स्थिति में बच्चों की देखभाल के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि दोनों में से एक, खास तौर पे यहाँ पे प्राथमिकता जो दी जाती है वो माता को दी जाती है, क्योंकि माँ न केवल कार्यक्षेत्र का हिस्सा है, न केवल पब्लिक प्लेस में अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रही, बल्कि घर का प्रबंधन भी माता के माध्यम से दोस्तों सुनिश्चित होता है। तो यहाँ पे बात जो आवश्यक हो रही है, जो महत्वपूर्ण हो रही है, वो ये है कि दोस्तों पत्र जारी हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से कि अगर कोई भी सरकारी सेवक कपल के रूप में, दंपति के रूप में हैं और दोनों लोगों की ड्यूटी लग गई है तो एक की ड्यूटी आसानी से दोस्तों कट सकती है। आप पत्र देख सकते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यूपी से जारी हुआ है, पीसीएफ भवन 22 स्टेशन रोड लखनऊ से, संख्या 860 और दिनांक 31 मार्च 2021 का ये पत्र है। सेवा में समस्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश। यहाँ बात हो रही विषय है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में दंपति कार्मिक में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के संबंध। महोदय, उपर्युक्त विषय पर श्री राजेंद्र सिंह राठौर, प्रदेश अध्यक्ष यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से प्राप्त पत्र दिनांक 3 मार्च 2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और उन दोनों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी जाती है तो उनके बच्चों की देखभाल का संकट दंपति के सामने रहता है, जिससे उनके सामने विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः इस संबंध में आयोग की ओर से मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि यदि सरकारी नौकरी में कार्यरत पति पत्नी दोनों में से किसी एक के द्वारा चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उनके बच्चों की देखभाल के दृष्टिगत दोनों में से किसी एक को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। भौदी श्री वेद प्रकाश वर्मा जी, अपर निर्वाचन आयुक्त। तो अगर ऐसी स्थिति, संकट की स्थिति आपके सामने आती है तो आप बेहिचक निःसंकोच भाव से आप संबंधित कार्यालय जहां से आपको ड्यूटी कटवानी है वहां पे संबंधित जो पटल बाबू या सहायक हों वहाँ पे एक यही जो पत्र है इसकी छाया प्रति संलग्न करते हुए आप एक एप्लीकेशन लिखें और निवेदन करें कि हम दोनों लोग सरकारी सेवक हैं और जिसकी ड्यूटी कटवानी हो उनकी तरफ से प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाई अजय पी दुबे नामक चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।